नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। हमारे कक्षा 11वीं में जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। अंत में जो मैंने पढ़ाया था लेंसों का संयोजन, और आज हम आपको लेंसों से संयोजन से संबंधित प्रश्न कराएंगे। उससे पहले एक सूत्र रह गया है, न्यूटन का सूत्र लेंसों के लिए। हम इस लेंसों के लिए न्यूटन के सूत्र की इम्पोर्टेंस बताएंगे और इसके सूत्र का निगमन करेंगे। उसके बाद लेंस के संयोजन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं न्यूटन का सूत्र लेंसों के लिए। देखिए, जो अब पहले सबसे पहले बात यह है, आप समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हमारे लेंस होते हैं उसमें हम प्रकाशिक केंद्र की स्थिति को सही ढंग से नहीं पता लगा पाते, मोटे लेंस होते हैं, जबकि हमें फोकस पता होता है, प्रथम फोकस भी पता होता है, द्वितीय फोकस भी पता होता है। तो न्यूटन ने ये ज्ञात किया, मतलब इसमें ये चीज़ रखी कि अगर हम वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से न नाप कर फोकस से नापें, प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से नाप कर फोकस से नापें। अब वस्तु की दूरी प्रथम फोकस से नापी जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस से नापी जाएगी। तो देखिए, हम चित्र बना रहे हैं, आप इसको चित्र से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इसकी दूरी F1, ये O, ये दूरी F1 है और ये दूरी F2 है। अब बस तो यहां रखी हुई है बी वस्तु, यहां से ये किरण, इस टाइप से किरण लेंगे हम, इस तरह से, और ये इस टाइप से सीधी चली जाएगी। दूसरी किरण हम इस टाइप से लेंगे, समानांतर होते हुए ये इसके फोकस से होकर जाएगी, तो ये प्रतिबिंब यहां बनेगा, ए डैस बी डैस। ये दूरी X1 है और ये दूरी X2। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब, तो देखिए इसमें X1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, दूसरा X2 क्या है, द्वितीय फोकस से, ये द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगी AF1 और ये होगी F2 A'। अब देखो, यहां पे दो समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज ये है और एक ये,
क्यों समरूप त्रिभुज है? ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए समरूप त्रिभुज, त्रिभुज बी ए एफ वन तथा त्रिभुज, इसको ले लेते हैं एम, इसको ले लेते हैं एन, एन ओ एफ वन, एन ओ एफ वन। तो देखिए ए बी अपॉन एन ओ इज इक्वल टू ए एफ वन अपॉन एफ वन ओ। देखिए ए बी तो ए बी रहेगा, एन ओ ए डैश बी डैश के बराबर है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए एफ वन अपॉन एफ वन ओ। अब देखिए इसमें ये पहला समीकरण हो गया, क्योंकि एन ओ बराबर ए डैश बी डैश, ए एन ओ बराबर ए डैश बी डैश। अब देखिए इधर आइए, अब हम लेते हैं समरूप त्रिभुज इसमें, और ये देखिए समरूप त्रिभुज त्रिभुज एन ओ एफ टू तथा त्रिभुज बी डैस ए डैस एफ टू में। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, एन ओ एम ओ, ये एम है यहां पे एम, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश। अब देखिए एम ओ ए बी के बराबर होगा, तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन टू ए डैश, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए समीकरण एक तथा दो से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए एफ वन अपॉन एफ वन ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैस। तो ये देखिए बराबर हुए, ये बराबर हुए, तो इस ए एफ वन क्या होगा, ए एफ वन है एक्स वन अपॉन एफ वन ओ एफ वन एक्स टू, ये है एफ टू अपॉन एक्स टू, क्यों अच्छी के गुणा कर देंगे तो एक्स वन एक्स टू बराबर एफ वन एफ टू। यही लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र है। अब देखिए इसमें आपको पता होता है एफ वन बराबर माइनस एफ और एफ टू बराबर प्लस एफ, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू बराबर माइनस एफ और एफ, ये किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए लेंगे तब भी एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा, तो एफ स्क्वायर बराबर माइनस एक्स वन एक्स टू। तो ये जो सूत्र था वो था हमारा न्यूटन का सूत्र, जिसमें हमने दूरियों को फोकस से नापा था, ये दूरी फोकस से नापी गई थी, ये दूरी फोकस से नापी गई थी, ये इसकी प्रथम फोकस दूरी थी, ये इसकी द्वितीय फोकस दूरी थी। अब इसी में मैं अब आगे आपको बताना चाह रहा हूँ इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, जो हमने अभी तक पढ़ा उससे संबंधित, लेंसों के संयोजन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल।
एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक चित्र दिया हुआ है। चित्र इस टाइप का है, ये एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी दी हुई है f बराबर 15 सेंटीमीटर, और इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है वो। ये 40 सेंटीमीटर, तो निश्चित है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पे बनेगा, कुछ दूरी पे बनेगा। इस प्रतिबिंब को ले लेते हैं आई डैस। इसमें फिर क्या किया गया, एक दूसरा अवतल लेंस रख दिया गया, तो ये अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है, ये अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम। ये दूरी इनके बीच की दूरी दूरी है 14 सेंटीमीटर, और ये जो प्रतिबिंब बनना है वो 30 सेंटीमीटर पर बनना है। प्रश्न के अनुसार हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है एफ डैश, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए होगा क्या, ओ का प्रतिबिंब पहले आई पे बनेगा, आई पे बनेगा, इसको हम ले लेते हैं वी डैश, वी डैश। इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगी और इसका अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो ये यू डैश जो होगा वो कितना होगा, वी डैश माइनस 14। तो सबसे पहले लेते हैं अवतल लेंस के लिए, उस उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए हल, उत्तल लेंस के लिए किस सूत्र से, इस सूत्र से। देखिए 1/+15 / -1/- वी डैश, ये वी डैश होगा और -1/-40, तो ये हो जाएगा 1/V' = 1/15 - 1/40 और 1/V' = एलसीएम ले लेंगे 15 × 40, तो ये हो जाएगा 40 - 15, तो ये हो गया 25, 25/15 × 40, 5 से ये कट गया 3 बार और 5 से ये कट गया 8 बार, तो ये हो गया 24। तो इस तरह से V डैश हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए 24 में से ये 14 कम हो जाएगा, ये दूरी 24 होगी तो 14 कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के लिए। देखिए अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए यू डैश कितना होगा, यू डैश होगा +V' - 14। इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक 24 है, इसमें से 14 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 - 14 =
प्लस 10 सेंटीमीटर, और वी डैश है हमारा यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो अब हम सूत्र लगा देंगे, 1/f' बराबर 1/b' माइनस 1/u'। तो 1/f' बराबर 1/v 1/30 प्लस का माइनस 1/u' प्लस 10, तो ये हो गया 1/30 माइनस 1/10। लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम लेने पे ये आएगा 30 एक ऋण 3, तो ये हो गया ऋण 2/30 और 1/15। तो एफ डैश बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रकट करता है कि ये अवतल लेंस है, इस वजह से इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आई। तो हमारा जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी आई, 15 सेंटीमीटर आई। अब थोड़ा सा एक मन में जिज्ञासा ये होती है कि अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस रख देते तो क्या होता, उत्तल लेंस रख देते तो प्रथम पहले बनता है, यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। अवतल लेंस से क्या होता है, प्रथम थोड़ा आगे की तरफ तो बढ़ जाता है, उत्तल लेंस रखने से प्रथम और हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको थोड़ा गौर से देखिए, जिसमें एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को पहले देखें और फिर हम प्रश्न को देखते हैं। चित्र ये बना हुआ है, एक वस्तु है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें ये उत्तल लेंस रखा हुआ है और ये वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से रखे और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूरी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा लेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी दूरी 10 सेंटीमीटर, एफ 10 सेंटीमीटर और एफ डैश भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो इसकी दूरी माइनस होगी। अब प्रश्न ये क्या है, किरण आरे खींच करके किसी बिंदु के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। प्रदर्शित चित्र में बिंदु वस्तु ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो और किरण आरेख भी खींचिए। इसका मतलब यह हमें इसमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां से ये देखेंगे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 बराबर 1/b हमें निकालना है, माइनस वी डैश ले लेते हैं इसको, बराबर 1/-20। तो 1/10 बराबर माइनस 1/20 बराबर 1/b। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 20 दो ऋण 1 बराबर 1/b, तो b बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ। ये हो गया आई,
डैश। अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये जब दूरी 10 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा, अब हमें इसके लिए ये वस्तु का आकार करेंगे, वस्तु का आकार करेंगे। तो अवतल लेंस के लिए हमें अवतल लेंस के लिए देखिए वही सूत्र लगा देंगे, 1/f, 1/b माइनस 1/u'b'। तो 1/f ये हो गया माइनस 10, 1/v' हमें निकालना है, माइनस 1/, और ये u' कितना होगा, u' होगा माइनस 10, माइनस 10, माइनस 10, माइनस 10 होगा। तो ये 1/ माइनस 10 माइनस माइनस, ये भी माइनस 1/10 बराबर 1/v'। और 1/v' का मतलब हुआ माइनस 1/2/10, v' बराबर माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां बन जाएगा, यहां पर मतलब अंतिम प्रतिबिंब होगा वो इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी बारे में देख लीजिए। इसमें भी किरण आरेख बना हुआ है और उस किरण आरेख की सहायता लेकर के हम निकालना चाह रहे हैं। देखिए इसमें एक चित्र ये बना हुआ है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें ये उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यहां से कोई वस्तु चलती है, और इसके आगे रखा हुआ है अवतल लेंस, और ये किरणें समानांतर हो जाते हैं। ये दूरी 60 सेंटीमीटर है, ये वस्तु है, ये आई डैश, और अंतिम प्रतिम कहाँ बन रहा है, अनंत को बन रहा है। तो इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। देखिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर प्रतिम अनंत पर बन रहा है तो इसका मतलब ये फोकस पर रखी हुई है, इसके द्वितीय फोकस पर। तो ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये इसकी फोकस दूरी होगी, ये दूरी होगी। तो सबसे पहले हम अवतल लेंस से लिखे देखते हैं, उत्तल लेंस से हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है, ये हम निकालते हैं v'। v निकालते हैं, ये हमारा u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो 1/f 20 बराबर 1/v माइनस 1/-60। तो 1/v बराबर
बीस माइनस वन अपॉन सिक्सटी, और इसको हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन सिक्सटी माइनस वन अपॉन सिक्सटी, टू अपॉन सिक्सटी, वन अपॉन थर्टी। तो एफ वी बराबर 30 सेंटीमीटर, ये 30 पर बनेगा। अच्छा, इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, इसके बीच की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 होगा, ये भी दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए इस लेंस के लिए, अवतल के लिए, U डैश ये दूरी, ये पूरी यहां से यहां तक 30 है, तो ये रह जाएगी 20, 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो ये प्लस 20, और V डैश इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो F डैश में निकाल, तो वही सूत्र लगा देते हैं कि वन अपॉन एफ डैश बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू डैश, तो ये निकल के आएगा वन अपॉन एफ डैश बराबर वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन ट्वेंटी, तो एफ डैश बराबर 20 सेंटीमीटर माइनस का, तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी इस लेंस की। तो इस तरह से हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे, और इन क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे रिजल्ट भी निकल के आए, और इसमें हमने ये देखा कि जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक हमारे फिजिक्स का सही सदुपयोग नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक न्यूमेरिकल हमें नहीं आने वाले। तो आप अगले क्वेश्चंस में आगे न्यूमेरिकल्स भी ध्यान रखिए, मैंने इसके साथ आपको सीट भी उपलब्ध करा रखी है, और उस सीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रिज्मों से प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, अभी जो हमारा अपवर्तन चल रहा था वो गोली पृष्ठों से था, मैं अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।